हे गाइस, वेलकम बैक टू माहिया क्रिएशन। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। यहाँ पे मैंने बहुत ढेर सारे क्राफ्ट मटेरियल परचेस किए हैं। मुझे ये परचेस किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। मैंने सोचा फटाफट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, फिर मैं क्राफ्टिंग बनाऊँगी जो भी मुझे इनका यूज़ करना है। सो वीडियो तो शूट हो गई थी बट पोस्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने पहले ही शेयर कर चुकी थी तो सबने मैसेज करके पूछा था कहाँ से लिया, क्या है, कितने रेट पड़े हैं, कॉस्ट क्या है। तो वो सब मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बता दूँगी, क्योंकि अभी मुझे अपने मटेरियल शेयर किए हैं करने हैं। तो पहला ये सेट है सीज़र का। तो ये पेपर जब हम फोल्ड करते हैं तो उसमें आप निशान बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे हॉल जो भी मैं ख़रीदी हूँ क्राफ्ट सप्लाइंस, ये मेरे इंस्टा परचेस हैं। मैंने लोकल परचेस नहीं लिया है, ऑनलाइन परचेस नहीं किया है, ये मैंने इंस्टा परचेस किया हुआ है। और मैंने जहाँ से बाय किया है उसका नेम एप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सेकंड जो बाय किया है ये स्क्रोलिंग टूल है, जो ये भी बहुत हेल्पफुल है। आप अगर अपने क्राफ्ट को नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं तो आप पेंसिल का यूज़ ना करके आप इसको यूज़ करिए पॉइंट आउट करने के लिए। लेट मी शो यू हाउ टू यू यूज़ इट लाइक दैट यू कैन यूज़। इसमें पेंसिल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और काफ़ी अच्छे से यूज़ हो सकता है। ये सेकंड क्या है मुझे तो याद ही नहीं है इसका नेम, क्योंकि मैंने बताया ना मैंने काफ़ी टाइम पहले बाय किया था तो मुझे याद नहीं है, बट कुछ तो था। इट्स ओके, नाम और रेट सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सेकंड, मैंने ड्रीम कैचर बनाने के लिए ये फैदर लिए हैं। तो टू साइड जो रेड एंड ब्लैक है ये थोड़े से लॉन्ग है, तो ये भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग थी। सेकंड है ये मीडियम साइज़ के फैदर हैं जो मैं अब तक मैं अपने ड्रीम कैचर मेकिंग में यूज़ किया है, मैंने सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है। और ये तो बम्पर ऑफर के साथ है, अराउंड 200 का मुझे पड़ा था, जिसमें 6 पैक गोल्डन हार्ट पड़े थे और 6 पैक सिल्वर हार्ट शेप के स्टिकर थे, तो ये काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है, मेरे लिए तो अच्छी है क्योंकि मैंने बाय कर लिया, आप लोगों के साथ लिए है कि नहीं है, ये स्टिकर बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है। अलग अलग रेट के आपको अलग अलग अकॉर्डिंग क्वांटिटी में आपको ये मिलेंगे, तो कोई एक क्वांटिटी नहीं है इसकी। यहाँ पे जो मैंने इसको परचेस किया है इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इसको इन्होंने 3-4 पेपर पैक में इसको लपेटा हुआ था। ये यहाँ पे तो 3 पैक है इसे मैं खोलने वाली नहीं। तो फर्स्ट मेरा है लिटिल हार्ट जो 7 ग्राम है, अराउंड 48 रुपीज़। एंड सेकेंड है रेड हार्ट सीक्वेंस, इसमें थोड़े मिक्स मैच वाइट एंड गोल्डन रेड का कॉम्बिनेशन है, ये 8 ग्राम है, ये भी अराउंड सेम रेंज में था। आई होप आपको ये लेना चाहिए फॉर योर शक्ल कार्ड बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने ये मेटल चार्म्स पैक किया है, जो यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट वेरी स्मॉल थिंग्स मुझे मिले हैं। यहाँ पे की है, लीव्स है, बो है, हार्ट, एरोप्लेन, मैक्सिमम ऑल सप्लाइंस है जो काफ़ी यूनिक है। और ये मेटल है, मे बी इसका कलर जाए या ना जाए, मैंने यूज़ नहीं किया ये मैं नहीं बता सकती, बट या सो गुड। सो यहाँ पे वो लिस्ट है, मैंने 5 जून को परचेस किया था इसलिए मुझे याद नहीं है। और ये वेबसाइट है जहाँ से मैंने बाय किया था, ये इंस्टाग्राम पेज है इनका, और इनके बायो में लिंक है जहाँ से आप जाके ऐड टू कार्ट करके सारी चीज़ें बाय कर सकते हो। आप स्टोरी भी चेक कर सकते हो, अप डाउन प्राइजेस चलते रहते हैं। तो आई होप यू बाइट योर क्राफ्ट सप्लाइंस ऑन हर पेज। सेकेंड थिंग यहाँ मैंने बाय की है क्लियर स्टाम्प, और ये भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया अमेजोन से, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में था। आपको ये डेफिनेटली परचेस करने चाहिए। मैंने फर्स्ट वेरी नाइस कोट्स ख़रीदे हैं और सेकेंड ये है बर्थडे स्टिकर स्टाम्प। सो मैंने ये 2 बाय किए हैं। और यहाँ पे मेरा सेकेंड है स्क्रैप बुक मेकिंग स्टिकर, इसके 2 टाइप यूज़ आप कर सकते हो। फर्स्ट है आप इसको डायरेक्ट निकाल के इसे डबल साइडेड टेप से यूज़ करते हो, कर सकते हो आई मीन। एंड सेकेंड आप इसको बहुत ही हल्के हाथ से निकाल के विथाउट डबल साइडेड टेप के भी आप यूज़ कर सकते हो। तो
तो ये दो तरीक़े का यूज़ है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इसे दो साइड यूज़ कर सकते हैं। जब मैं स्क्रैप बुक बना रही थी तब मैंने ध्यान दिया, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ ताकि आप भी बाय करो। और सेकेंड, मैंने यहाँ पे 3D स्टिकर परचेस किए हैं, इन्हें काटना नहीं पड़ता, ये काफ़ी अच्छी बात है। और मैंने स्टिकर बहुत ही सारे परचेस किए हैं, फ्लावर केक एंड फॉर माई स्वीट मॉम, तो मैंने ये सारे बाय किए हैं। मिनी स्क्रैप बुक बनाने के लिए मैंने इन्हें परचेस किए हैं। सेकेंड है जो स्टिकर है, ये डाई कट स्टिकर है और ये पूरा मैट फिनिशिंग में है। फर्स्ट वाले में 2 डाई कट है जो मैंने परचेस किए हैं, और ये बिग स्क्रैप बुक मेकिंग के लिए है, तो काफ़ी अच्छा है। और ये मैंने लव थिंग पैटर्न बाय किया है। आफ्टर सेकेंड मैंने स्टिकर बाय किया है, ये लव स्टिकर, और इसका ये सीट भी बहुत अच्छा है, मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ, फेंकूँगी नहीं। एक्चुअली मैंने किसी की भी सीट फेंकी नहीं है। और इसे भी आप इस तरीके से निकाल कर कटिंग, पहले कट करने के बाद में निकाल कर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें ग्लू पहले से ही है, बस आपको कट करने हैं, निकालने और अप्लाई करने हैं। सेकेंड ये 2 है गोल्डन में और 2 रेड कलर में है। यहाँ पे मैंने पेपर बाय किया है, ये अराउंड 150 रुपीज़ का है। सो ये मैंने 2 सेट इसमें के अवेलेबल थे, जिसमें से ये रेड हार्ट है एंड सेकेंड ब्लैक हार्ट था, तो मैंने ये वाला बाय किया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एक पैक में आपको 10 सेट मिलेंगे, काफ़ी अच्छा है। और ये फुल ऑफ ग्लॉसी है, नॉट मैट। यहाँ पे मैंने फर्स्ट किट लिया है 6x6 इंचेस का, और ये पूरा फ्लोरल डिज़ाइन है। इसका नाम है लव फ्लोरल, आई थिंक लव पेपर। इसके सारे डिज़ाइन, सारे पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बहुत ही जल्दी मैं इसका भी स्क्रैप बुक बनाऊँगी, और जब मैं बनाऊँगी तो इस पेपर को 6x6 इंच में ही यूज़ करने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं कटिंग करूँगी। तो मेक श्योर जल्दी ही वो वीडियो पे काम करेंगे, अभी कर रहे हैं वैसे। ओके, तो काफ़ी अच्छे पेपर्स हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगे। ओके, सेकेंड मैंने लिया है लॉर्ड्स ऑन अ बुक, मे बी आई थिंक इट्स नेम। ओके, ये भी 6x6 का है, इसके पेपर भी काफ़ी अच्छे हैं, ये भी पूरा मैट है, नॉट ग्लॉसी प्रिंट, तो इसके भी प्रिंट काफ़ी अच्छे हैं। और इसे मैंने भी मिनी स्क्रैप बुक के लिए परचेस किया है आई थिंक, और मैंने इसे यूज़ भी कर लिया है, पूरा मेरा स्क्रैप बुक बन चुका है, बस जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सारे पेपर अच्छे हैं, आपको भी बाय करने चाहिए, एब्सोल्युटली आपको बाय करने चाहिए। सेकंड जो है ये 7x7 इंचेस का है, और ये फुल ऑफ विंटेज डिज़ाइन पेपर है, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें आपको 4 डाई कट मिलते हैं, जिसे आपको निकालना और यूज़ करना है डायरेक्ट, तो ये काफ़ी अच्छा है। आई मीन 4 अराउंड 3 या ऐसे ही है। उसके बाद इसके पैटर्न, पेपर पैटर्न डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, इनसाइड बहुत अच्छा लगा, ये भी मैट है। Thank you.
काफ़ी अच्छे हैं। मैंने जितने भी बाय किए हैं मुझे ये भी ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे लव पैटर्न से ज़्यादा विंटेज पेपर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है। सेकंड, मैंने यहाँ पे 8x8 inches का पेपर पैटर्न बाय किया है और ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके कुछ पेपर ग्लॉसी हैं और कुछ मैट हैं। तो ये फर्स्ट पेपर तो पूरा ग्लॉसी है, काफ़ी अच्छा था और बार बार इसे छूने का मन कर रहा था। तो काफ़ी अच्छे पैटर्न हैं इसके भी। इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैंने सारे पेपर पैटर्न शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ से भी जाकर इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर इसे सेव कर सकते हैं। और आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे सारे मटेरियल्स के नेम, मैंने कितने क्वांटिटी में लिए हैं, सब कुछ वहाँ मेंशन रहेगा, मैं आपको बता दूँगी। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके चाहो तो सेम एज अ सेम बाय कर सकते हैं। अच्छे थे, इसका भी यूज़ मैं जल्दी ही करूँगी, देखते हैं कहाँ पे यूज़ करते हैं। सेकंड, मैंने ये LED बल्ब लिए हैं और ये बैटरी ऑपरेटेड है। सो इसको बाय जब मैंने किया था तो उसमें बैटरी नहीं थी, मैंने अपने पास से बैटरी इसमें लगाया है और इसे मैंने थोड़ा यूज़ कर लिया था अपने सिस्टर का फ़ोटो शूट करने के लिए। और काफ़ी अच्छी बैटरी है, लाइट बहुत अच्छी देती है। सो आपको ये बाय करना चाहिए, आप इसे बॉटल हैंगिंग पे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इस लाइट को बाय किया है अपने वीडियो बैकग्राउंड के लिए, तो देखते हैं कैसा वर्क करता है, वो तो आने वाली वीडियो में पता चलेगा। आपको भी इसे बाय करना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है, फेरी लाइट बल्ब इसे कहेंगे। होम डेकोर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये बैटरी ऑपरेटेड है तो काफ़ी अच्छा है। सेकेंड, मैंने यहाँ पर बाय किया है स्क्रैप बुक मेकिंग किट, इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें मिल सकती हैं, डायकट, स्टिकर, रिंग्स, लेसेस, सीक्वेंस और ये कटआउट बोर्ड है जिन्हें आपको अटैच करने हैं, अरेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटीज़ डिपेंड ऑन यू, जैसा मैं हर बार बोलती हूँ। उसके बाद आपको कुछ अलग से भी पैटर्न यूज बाय करने पड़ेंगे जो आप अंदर उसे मेकिंग कर सको, जैसे इनवलप बनाने के लिए भी आपको किस थीम पैटर्न की ज़रूरत है आप उसे बाय करो। मैंने हाल से भी लिया है और मैंने उन्हें यूज़ भी कर लिया है, बना भी चुकी हूँ, बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ उस वीडियो को। और यहाँ पे ये डाई कट है, ब्लैक एंड वाइट थीम है तो इसका यूज़ भी काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि सेट कैसे करना, सेट करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो बस एक्सप्लोजन बॉक्स किट भी अवेलेबल है, कई डिज़ाइन में है, आई थिंक हार्ड शेप में भी अवेलेबल है, आप उसे भी चेक कर सकते हो उनके वेबसाइट पे। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि इनकी वेबसाइट आप ऐड टू कार्ट करिए, बाय कीजिए, ओके। तो डिलीवरी कॉस्ट की बात कर लेते हैं, डिपेंड करता है आपके बजट मटेरियल क्वांटिटी की, क्योंकि वो पिन कोड चार्ज भी लेते हैं। अगर नियर है तो आपको मे बी बहुत लो प्राइस डिलीवरी चार्ज पड़ेंगे, अगर ज़्यादा दूर से आप बाय कर रहे हो तो मे बी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। मुझे अराउंड 240 rupees पड़े थे डिलीवरी चार्ज को लेकर, बाकी मैंने सारे जो बाय किए हैं उनका चार्ज अलग है। अगर आप सिंगल परचेस करते हो तो जैसा हम लोग डिलीवरी चार्ज देते हैं 70 rupees वैसे ही है। सो यह सिंगल परचेज से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक साथ ढेर सारी चीज़ें बाय करिए। तो ये जो सेकंड है ये हार्ट शेप में है, सेम इसमें भी आपको लॉट्स ऑफ वैरायटी मिल जाएंगी, सारे पैटर्न जो आपको फर्स्ट वाले में मैंने बताया था सेम वही है। तो आप इसको भी बाय कर सकते हो अगर आपको हार्ट शेप अच्छे लगते हैं, थीम और भी हो सकते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट आई एम लव विथ ब्लैक कलर, सो मैंने ब्लैक लिया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टिल द एंड एंड
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ किसी भी रीज़न पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। मैं सारी पिक्चर्स इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब मत करना, मत भूलिएगा मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू इंस्टाग्राम पे इतना प्यार देने के लिए, मेरी सारी स्टोरी का रिप्लाई करने के लिए। यू आर डूइंग वेरी वेल, गो फॉर इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।